आगे बात करेंगे बड़ी खबर की। वित्त मंत्री जेपी दलाल का बयान सामने आया है, एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है भिवानी से। वित्त मंत्री जेपी दलाल ने बयान दिया है, ईडी रेड और कांग्रेस के आरोप पर बोले हैं जेपी दलाल, भ्रष्टाचार पर ईडी पहले भी करती थी कार्रवाई, कांग्रेस अपने नेताओं को समझाई, ये जेपी दलाल की तरफ से कहा गया है। कांग्रेस नेता भ्रष्टाचार से दूर रहे, जेपी दलाल की तरफ से ये बयान सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त भिवानी से, खबर है वित्त मंत्री जेपी दलाल ने बयान दिया है, ईडी रेड और कांग्रेस के आरोप पर बोले हैं जेपी दलाल, भ्रष्टाचार पर ईडी पहले भी कार्रवाई करती थी, जेपी दलाल ने कहा कांग्रेस अपने नेताओं को समझाए। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, जेपी दलाल का बयान सामने आया है, ईडी की कार्रवाई पर उन्होंने कहा कांग्रेस अपने नेताओं को समझाए, पहले भी इस तरह की कार्रवाई होती थी। भिवानी से खबर आपको बता रहे हैं, वित्त मंत्री जेपी दलाल ने बयान दिया, ईडी रेड और कांग्रेस के आरोप को लेकर जेपी दलाल का ये रिएक्शन, भ्रष्टाचार पर ईडी पहले भी कार्रवाई करती थी, कांग्रेस अपने नेताओं को समझाए। कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचार से दूर रहे, ये जेपी दलाल ने कहा है। तो भिवानी से ये खबर आपको बता रहे हैं, वित्त मंत्री जेपी दलाल का बयान सामने आया है। कांग्रेस की हरियाणा वहां की हिसाब यात्रा पर उन्होंने कटाक्ष किया और कहा कि हम रोज हिसाब देते हैं, जनता कांग्रेस से हिसाब मांगती है, ये कहते हुए निशाना कांग्रेस पार्टी पर साधा। बजट पर विपक्ष भ्रम फैला रहा है, तो बजट को लेकर विपक्ष जो कह रहा है उसको भ्रम बताया। जेपी दलाल ने कांग्रेस की हरियाणा वहां की हिसाब यात्रा पर कटाक्ष किया जेपी दलाल। फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। राम राम।